हाय गाइस, आपका स्वागत है आपके अपने शो एमके जे टॉक्स फॉर इन्वेस्टमेंट इन हिंदी में। कैसे हैं आप भाई? थोड़ी आज हंसी भी कम आई है। कारण क्या है? कहीं ना कहीं राकेश झुनझुनवाला साहब का देहांत हो गया, मन उदास है, मन उदास है। और उदासी का मेन कारण क्या है कि बहुत यंग एज में वो चले गए यार। 62 ईयर्स आज के हिसाब से कोई एज नहीं है, कोई एज नहीं है। मेरे जो चहेते इन्वेस्टर्स हैं, मतलब जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हैं, ही इज़ वन ऑफ द फेवरेट। और मैं कहूँगा कि जाते जाते भी उन्होंने शिक्षा दी है एक। हालांकि उनकी कई बातें मुझे बड़ी अच्छी लगती हैं, जैसे वो एक इन्वेस्टर कम ट्रेडर थे। और आपने देखा होगा मैं भी इन्वेस्टिंग कम ट्रेडिंग करता हूँ, सिर्फ वो नहीं। और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में विश्वास करते थे, इसलिए मेरे भी पोर्टफोलियो का एक मेजर हिस्सा लॉन्ग टर्म के लिए निवेशित है, जो मैं छेड़ता ही नहीं। अभी बाजार 1500-1200 तक चला गया तो मैंने 1 रुपए का शेयर नहीं बेचा। हालांकि मुझे लग रहा था और नीचे गिरेगा, एंड आई वॉज एक्सपेक्टिंग कि मैं और 10% पैसे डेट से निकाल के लगाऊंगा। वो मौका नहीं मिला, पर कोई दिक्कत नहीं है। मैंने रिसेंटली करीबन 8-9 लॉट पूरे पूरे कई कंपनियों के खरीद लिए। तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में मेरा विश्वास है, ट्रेडिंग में मेरा विश्वास है, और रिस्क मैनेज करके चलने में मेरा पूरा विश्वास है। तो कहीं ना कहीं एक्टिवली और पैसिवली राकेश झुनझुनाने वाला ने सब इन्वेस्टर्स को कहीं ना कहीं प्रेरित किया, एंकरेज किया। और जाते जाते वो एक नसीहत भी दे गए, देखा जाए अपने लाइफ से, कि भाई हेल्थ इज़ वेल्थ, हेल्थ पे भी ध्यान देना चाहिए। अब मानेंगे नहीं, जब से उनका सुना है देहांत का, मैं और कॉशियस हो गया, सजग हो गया। हालांकि कई बार ऐसा होता है कि मरघट का ज्ञान होता है, जैसे हम जाते हैं ना किसी का अंतिम संस्कार करने शमशान में, तो वहाँ लिखा होता है ये वो, क्या करोगे, क्या लेके आए थे, क्या लेके जाओगे, पैसे के पीछे भाग रहे हो, आत्मा का देखो, ये देखो, अच्छी अच्छी बातें लिखी होती हैं। और आदमी बड़ा इंप्रेस हो जाता है, वो कहते हैं मैं कहाँ भाग दौड़ कर रहा हूँ। और वो जिन व्यक्ति का देहांत होता है उनको देख के कहीं ना कहीं इंस्पायर हो जाता है कि अब मैं नहीं करूँगा। पर मरघट का जो ज्ञान होता है वो मरघट तक का ही सीमित रहता है। जैसे ही आप मरघट के द्वार से निकलते हैं, उसी क्षण आप भूल जाते हैं, अपने घर जाते हैं, नहाते हैं, धोते हैं, अगले दिन सुबह उसी तरह रोज के कार्यों में व्यस्त हो जाते हैं और फिर भूल जाते हैं। तो ये जो ज्ञान है कि भाई हेल्थ इज़ वेल्थ, हेल्थ पे भी पूरा ध्यान देना चाहिए, ये कई बार मरघट का ज्ञान हो जाता है कि जब हम किसी के साथ कुछ ऐसा होते हुए देखते हैं जिसका हमें दिल से अफसोस होता है, फिर हम उसको फॉलो करने की कोशिश करते हैं पर 1-2 दिन में भूल जाते हैं। तो मेरा ख्याल हम लोगों को एक सच्ची श्रद्धांजलि राकेश झुनझुनवाला के प्रति ये होगी कि हम अपने चैनल के माध्यम से, बीच बीच में मैं भी आपसे पूछा करूं कि भाई आप वॉक कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, आप अपनी सेहत का ख्याल रख रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, अपना बॉडी मास चेक कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। और आप भी मेरे से पूछा करें कमेंट्स के माध्यम से कि सर आपने कितनी वॉक की, कितने स्टेप चले। आज तो मैंने काफ़ी स्टेप्स चले हैं, अगर मैं आज की बात करूं, आज भी मैंने स्टेप्स तो मैं चलता ही हूँ, कोशिश तो रहती है। तो आज से हम ये भी चीज़ पे ध्यान देंगे, अब तक मेरे स्टेप हो गए हैं आज के इस स्मार्ट वॉच के हिसाब से तो 8200, पर मॉर्निंग में मैंने 3-4 हज़ार स्टेप्स और चले थे जो मैंने काउंट नहीं किए, क्योंकि तब मैंने वॉच नहीं पहनी हुई थी, मेरे हाथ में दूसरा फ़ोन था, उसमें मैंने चेक किया था 4-1 हज़ार स्टेप वो भी थे। इसके अलावा आज ऊपर नीचे की बात करूँ मैं तो 16 बार मैंने आज स्टेयर्स क्लाइंब किए। ये एप्पल वॉच के अंदर स्टेयर्स क्लाइंब भी बताते रहते, 16 बार मतलब मैंने सीढ़ियाँ एक फ्लोर क्लाइंब किया। तो ओवरऑल ठीक है, आज एक्सरसाइज तो नहीं करिए, कल एक्सरसाइज पे फोकस करूँगा, आज वॉकिंग पे और स्टेयर्स क्लाइंबिंग पर ध्यान दिया। तो आप भी बताइए आपने कितनी एक्सरसाइज की है कमेंट के माध्यम से। तो ये हमने एक चेंज लाना है, आपकी और मेरी हेल्थ की सुरक्षा भी करनी है वेल्थ के साथ साथ, क्योंकि हेल्थ इज़ द बिगेस्ट वेल्थ। चलिए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं, और आज बहुत शानदार स्टॉक आपके लिए लेके आया हूँ। स्टॉक का नाम सुनते ही आप खुश हो जाएंगे, स्टॉक का नाम है टेक महिंद्रा। आज बड़ा ज़बरदस्त किस्सा हो गया, मैंने स्टॉक को उठाया 1066 पे, मैंने कॉल बेचने का मन बनाया हुआ, तो पीछे मैंने 7-8 लॉट उठाए थे, मैंने बैरल के ट्रेड लिए थे ओपल और बैरल के, उनकी कॉलें बेच दी, सारी की सारी लगभग कॉलें इन द मनी हो गई हैं। यानी हर लॉट में जो आज 7-8 लॉट उठाए मैं भूल ही गया,
हर लॉट में आप 51,000 का फायदा मान के चलो, 50, किसी में 60, किसी में 70, किसी में 80, सारों की कॉल इंदा मनी हो रही है। प्रभु का आशीर्वाद है, प्रभु की कृपा है और आपकी शुभकामना है। तो आप भी देख सकते हैं डेमोज यूट्यूब पे ओपल के स्टूडेंट बन के और व्हाट्सएप पे बैरल के स्टूडेंट बन के। और आज इसी लीक में मैंने टेक महिंद्रा उठाया, लेकिन कहीं मेरे कोने में मन में ये चल रहा था यार जल्दी कॉल भेज देता हूँ, पर मैंने जब 1066 पे इसको उठाया और उसकी कॉल बेचने में लिखवा दी, साला गिर गया, 1060 के नीचे आ गया। मैंने कहा यार ये क्या हो गया यार, साला अभी तक नहीं उठाया था, उठाते ही गिर गया। फिर मैंने कॉल का क्या करा, मैंने कहा अब चढ़ेगा तो कॉल फिर भागेगा ये, फिर मैंने कॉल का ऊपर का रेट लिखवा दिया, फिर मैंने कॉल कैंसिल ही कर दिया, छोड़ यार भागेगा तो कॉल सस्ती बिक जाती है। और वही हुआ, अचंभित रह गया मैं, 1078 पर क्लोज हुआ, पूरा लॉट उठाया था मैंने बैरिल के ओपल स्टूडेंट्स के डेमोज के लिए। तो अगर आप हिसाब लगाएं तो 12 रुपये प्रति शेयर है, यानी 7,200 को तो आज की रेट में फ़ायदा, कल भागेगा तो बेचते हैं इसकी कॉल बढ़िया सी और मैं आपको लाइव डेमो दे ही दूंगा। भाई कंपनी जो है कंप्रीहेंसिव रेंज ऑफ IT सर्विसेज प्रोवाइड करती है, एप्लीकेशन डेवलपमेंट है, मेंटेनेंस है, कंसल्टिंग है, जिस तरह से एक IT कंपनी होती है सारे काम बढ़िया वाले ये करती है। 1,00,000 करोड़ से ऊपर का मार्केट कैप है, 52 वीक हाई 944 है, हाई 1838 है, आज हमने 1066 पे पकड़ा है, तो 52 वीक लो के आसपास पकड़ा है। स्टॉक का प्राइस अर्निंग काफ़ी अट्रैक्टिव है, डिविडेंड यील्ड ठीक ठाक है, रोस और ROE भी बहुत अच्छे और बेहतरीन है। शेयर होल्डिंग पैटर्न गजब का है, 35% के आसपास प्रमोटर्स के पास होल्डिंग है, FIs के पास 30 है, जिन्होंने बिकवाली में इसको काफ़ी घेरते रहे हैं और अब शायद ये खरीदे। DIs ने अपना स्टेक काफ़ी बढ़ा लिया है, पब्लिक के पास भी माल थोड़ा इकट्ठा हो गया है, तो ओवरऑल ये पोजीशन है शेयर होल्डिंग की। अब देखिए बुलिश मोड में आ गए, जब बुलिश मोड में शेयर आता है ना यूं बढ़ता है, फिर ये मिडल बोलिंजर बैंड टच करता है, फिर भाग जाता है, फिर उसके नज़दीक पहुंचता है, फिर भाग जाता है, फिर नज़दीक पहुंचता है, फिर भाग जाता है, फिर नज़दीक पहुंचता है, फिर भाग जाता है, ये जो गेम है उसकी चलती रहती है जब बाजार में बुलिश मोड में आए। तो कुछ वही पैटर्न इस वक्त चार्ट पे नज़र आ रहा है, RSI रीजनेबली गुड है, स्कोप है अभी ऊपर और जाने का, कुछ 60 के आसपास RSI है और बड़े लंबे से बुलिश क्रॉसओवर चल रहा है, बार बार हरा लाल हिस्टोग्राम बनता और बिगड़ता रहता है। जैसा कि मैंने बताया 943 के आसपास 52 वीक था, 1838 का 52 वीक हाई और हमने इसको लोअर रेट्स पे ही पकड़ा है, अभी रिसेंट लो बनाया था तब पैसे खत्म हो गए थे। अब चार्ट भी देखेंगे गिरता है फिर भाग जाता है, गिरता है फिर भाग गया था, गिरता है फिर भाग जाता है, अब की बार काफ़ी गिरा है तो देखते हैं आप कितना भागता है। फाइनेंशियल ट्रेंड देखेंगे 2019 से 2022 तक का, तो टॉप लाइन और बॉटम लाइन दोनों लगातार बढ़ रही है। प्रॉब्लम क्या है कि इस बार के क्वार्टरली रिजल्ट अच्छे नहीं आए जून के, ये एक है जिसकी वजह से शेयर में और गिरावट देखने को मिली। हालांकि नेट सेल्स तो 24% बढ़ी है अगर हम ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बात करने, पर क्वार्टरली जो नेट प्रॉफिट है वो लगभग 16.5% गिर गए। जून क्वार्टर 2021 में वो थे 1350 करोड़ से ऊपर, अब घट के 1130 करोड़ के लपेटे में आ गए। इबिटडा 7.5-7.5% गिरा है। जून क्वार्टर 2021 की बात करें तो 2163 करोड़ था, जहां से घटके 2000 करोड़ हो गया, जिसकी वजह से EPS में गिरावट देखने को मिली है। 15.43 रुपये थी जून क्वार्टर 21 की, इस क्वार्टर की 12.84 रुपये। पर ठीक है, एक आध बार रिजल्ट आएंगे तो खराब हमारे लिए मौका है, हम उसे खरीदेंगे। अब बात करते हैं, तो भाई मैं फिर से एक डिस्क्लेमर दे दूँ, मैंने तो 600 का लॉट उठाया आज एमरेल्ड के शेयर्स, शॉर्ट शेयर होल्डर्स को, मैं एमरेल्ड के मेंबर्स को, स्फायर के मेंबर्स को मैंने 100 या 200 शेयर का डेमो दिया था, उसके बाद मेरे को मन आ गया, मैंने इसका पूरा लॉट यानी 400 शेयर और उठा के खरीद के लॉट ही पूरा कर लिया, उसका डेमो मैंने बैरिल और ओपल स्टूडेंट्स को दिया था और एक ही दिन में इसमें लगभग 7200 का प्रॉफिट है। मैं चाहता तो इंट्राडे करके 7200 रुपये का अच्छा मुनाफा कमा लेता, पर मेरा इंट्राडे में विश्वास नहीं है। पूछिए क्यों मैडम, आप पूछिए क्यों? नहीं है साहब, नहीं है, नहीं है भाई, नहीं है, इंट्राडे में टैक्स ज़्यादा लगता है एक दिन बाद बेचो तो टैक्स कम लगता है, तो मैं वो सब कैलकुलेशन भी करके चलता हूँ। भाई साहब अपन तो कहते हैं ना, ये जो बड़े बड़े निवेशक हैं, वॉरेन बफे, राकेश झुनझुनवाला साहब, इन सब की जो गूढ़ बातें हैं उन पे फोकस रहता है और वो हमारे सिस्टम के अंदर फीडेड हैं, तो वो हर समय ट्रेड करते वक्त हम फॉलो करते हैं और उनको और इम्प्रोवाइज कर रखा अपने रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से, अपनी कैपेसिटी के हिसाब से, अपने टैक्स स्ट्रक्चर के हिसाब से, सब बातें आ जाती हैं। अब बात करते हैं इसके बाद, इसलिए मैं डिस्क्लेमर दे दूं, भाई आप अपने रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से इसमें ट्रेड करें, मेरी तरफ से कोई
आपको एंकरेजमेंट नहीं है खरीदो, ना एंकरेजमेंट है बेचो। मैं तो आपको फैक्ट्स, सच्चाई, सत्यता बता देता हूँ। अब बात करते हैं एफ आईज डी एच की। यार एफ आईज तो कहते ना, आ गए बालम मेरे रूठे बालम, देखो अब आ ही गए बालम मेरे रूठे बालम, देखो अब आ ही गए खरीदारी कर रहे बालम, सारे सेगमेंट में देखो खरीदारी कर ही रहे। पर 3 दिन हो गए हैं, तीनों सेगमेंट में साले खरीदारी कर रहे हैं। आज भी कैश सेगमेंट में 1376 करोड़ की, फ्यूचर्स में 225 इंडेक्स फ्यूचर में, और स्टॉक फ्यूचर में 1314 करोड़ की, और लगभग 3000 करोड़ की नेट खरीदारी कराई। डी आईज बड़े मन मुसाव के सिर्फ 136 करोड़ का माल बेचा कैश सेगमेंट में। तो कैश सेगमेंट में भी आज बड़ी खरीदारी निकली है 1240 करोड़ की, जब इंडेक्स इतना तेज है। तो अब तो यही कहना चाहिए, आ ही गए बालम मेरे रूठे वाले बालम, देखो आ ही गए। जिसके चलते आप एफ आईज का देखेंगे लॉन्ग इंडेक्स के अंदर 59% के आसपास होगी, और स्टॉक्स में 60 से हल्की नीचे, हल्की नीचे। तो भाई मौका है, मुझे तो लग रहा है भाई बाजार अगर 18000 का लेवल काटेगा तो उसका नया हाई बनाने की प्रोबेबिलिटी 80% हो जाएगी, अनलेस आप सब लोग लॉन्ग ना कर लें। 18000 काटते सबको लगे हो गया जी, हो गया बंटादार, हो गया, और सब ने उठा के लॉन्ग कर दी, फिर तो बाजार गिर जाएगा। क्योंकि ऑपरेटर सबकी बनाता है बुद्धू, देखो सबको बनाता है ये बुद्धू। तो भाई ऑपरेटर तो बुद्धू बनाने में लगा रहता है, इसलिए आप जो है सोच समझ के लॉन्ग करिएगा। अब चलो अंतर्राष्ट्रीय बाजारों से पहले एक नज़र भारतीय बाजारों से पहले एक नज़र अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में डालते हैं। भाई गुणगान हो रहा है चारों तरफ, कहते हैं हर्ष उल्लास का वातावरण है एशियाई बाजारों में, सभी जगह अच्छी हरियाली देखने को मिली। अब मैं अगर एशियाई बाजारों की बात करूँ तो निकाई फ्लैट बंद हुआ था 0.01% गिर के, एक चाइना A50 लाली अली में बंद हुआ 0.11%, एक हांगकांग की सुसु जरूर निकली आज 1% से ज़्यादा गिरा हुआ था, बाकी सब बाजार हरियाली में, देखो बंद हुए हरियाली में। अब बात करें यूरोप की, एक स्विट्जरलैंड छोड़ दो जो 0.33% गिरा हुआ है, बाकी सारे बाजार हरियाली में, देखो दौड़ लगा रहे हरियाली में। इवन नोएक्स भी 2% बढ़ा हुआ है, और स्टॉकहोम 1% से ऊपर बढ़ा हुआ है, मद्रिद 1% से ऊपर बढ़ा हुआ है, और डैक्स पौना परसेंट बढ़ा हुआ है, जर्मनी लंदन आधा और पेरिस 0.5% के लपेटे में बढ़ा हुआ है, और इस वक्त डाउ जोन्स अभी भी 0.5% तेज है। हालांकि वीडियो बनाने से आधा घंटा पहले मैंने देखा था तब लाली आली में था, फिर 0.5% तेज है। S&P 500 फ्लैट है पर हरियाली में है, नैसडेक और स्मॉल कैप 0.5% के लपेटे में गिरे हुए हैं। आपका टोरंटो 4.5% बढ़ा हुआ है, और ब्राज़ील का बोस्पा 0.04% गिरकर फ्लैट है। अपने बाजारों की बात करें, गोली हुए भारतीय, देखो बाजार बड़े गोली हुए, 17700 के लपेटे में क्लोजिंग थी पिछली, कल छुट्टी थी 15 अगस्त की, और 17800 के लपेटे में आज बाजार जो है खुलता है 100 पॉइंट ऊपर। हालांकि उसके बाद भागता ही जाता है और एक पीक बनाता है 17849 की, फिर जो गिरता है एक बॉटम बनाता है 17764 का, फिर वापस रिकवरी ले लेता है और वही आसपास आ जाता है और 17825 पर बंद होता है 3/4% बढ़कर 125% से ज़्यादा की तेज़ी के साथ। भाग रहा था HDFC लाइफ, देखिए HDFC लाइफ का पूरा लॉट उठाया था, कॉल बेची थी पर इसमें इंदा मनी कॉल बेच दी, साला गोली हो गया, पर ठीक है हो गया तो हो गया, बच रहे हैं इसमें जैसे अदानी पोर्ट, आइशर, BPCL, मारुति सुजुकी, टाटा मोटर और M&M। टाटा मोटर की आज कॉल स्क्वेयर ऑफ करी थी और मेरे को लग रहा था भागेगा, जब गिरा तो कॉल स्क्वेयर ऑफ करी प्रॉफिट में, फिर भाग गया ये। TCS गिरने वालों में सबसे आगे ग्रासीम बहुत गिर गया था आज, हालांकि रिकवरी ले गया। हिंडालको, SBI, GSD, सब ब्लू स्टील, बजाज फाइनेंस, भारतीय एयरटेल जो गिरे पड़े शेयर थे। चार्ट में ना यार गैप ही गैप छूटे जा रहे हैं, यहाँ भी गैप छूट गया, 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 यहाँ भी गैप छूट गया। ये सारा बाजार है कि तजार है,
छह गैप छूट गए। एमकेजे गैप फिलिंग थियरी की इस राउंड में बाजार ने अच्छे से वाट लगा दी है। अभी तो यार छह गैप पूछे, मेरे से बच्चे पूछ रहे सर ये गैप फिल होंगे, मैंने कहा फिल तो होंगे, पता नहीं साले कब फिल होंगे। कारण क्या ना, 200 दिन का ईएमए काट दिया बड़े अच्छे से मूविंग एवरेज, और वो 17,000 के लपेटे में वहां से भी करीबन 800 पॉइंट ऊपर आ गया बाजार। तो अब ये लग रहा है कि बाजार नीचे कब आएगा, तो इस वक्त एमके जो गैप फिलिंग थियरी में तो ज़्यादा दिक्कत लगी रही है। दो चार गैप ही फिल कर दे तो अच्छा लगेगा, पर देखो यार इस वक्त तो बाजार बड़ा दिक्कत वाला हुआ पड़ा है। ओए होए फुल जो है ओवर बॉट हो चुका है बाजार। आरएसआई देखिए 82 के पार, और एमएसडी चार्ट पे लगातार बुलिश क्रॉस ओवर कमजोर हो रहा है। पुट राइटर्स को देखिए 17,000 से हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट भागकर 17,700 पे चला गया, और कॉल राइटर्स का 17,800 पे, और खूब बढ़ गया, और 17,800 के नीचे कॉल राइटर्स भाग गए, यानी कहीं ना कहीं कॉल राइटर्स को लग रहा है बाजार गिरेगा। और 17,800 पे देखिए पुट राइटर्स भी बहुत ज़्यादा हैं अभी भी, यानी इस वक्त अंधेर मचा हुआ है। पीसीआर की तो लगता है वाट लग गई होगी, मंथली तो वहीं चल रहा है। 17,500 पे हाईएस्ट है पुट का ओपन इंटरेस्ट, 18,000 पे हाईएस्ट है कॉल का। पीसीआर में कोई तब्दीली नहीं है खास, यानी पुट राइटर्स और कॉल राइटर्स दोनों दबा के लिख रहे हैं, हल्का सा पीसीआर बढ़ा है, यानी पुट राइटिंग कॉल राइटिंग के मुकाबले ज़्यादा हुई है। इस वक्त यह बाज़ार काफ़ी गर्म हुआ पड़ा है। निफ्टी बैंक की बात करूँ तो 39,000 के लपेटे में बंद हुआ था, 250 पॉइंट की गैप अब ओपनिंग करी, शुरू में पीक बनाया 39,444, उसके बाद सारा दिन थोड़ा सा नीचे की रेंज में रहा, काफ़ी गिरा 39,119, फिर थोड़ा सा रिकवर हुआ और फिर 39,240 के आसपास 200 पॉइंट के लपेटे में बढ़ के 0.5% से हल्का तेज बंद हुआ। बंधन बैंक 270 का, यार मैंने इसका खरीदा था 271 का, 280 की कॉल बेची थी, वो भी इन द मनी हो गई, सारी कॉलें इन द मनी हुई, भैया मोटा मुनाफा देखो आएगा, पैसे आएंगे जेब में, सारी कॉलें इन द मनी जब हो जाएंगी। मैंने आपको पहली कहा था मेरी पहली कॉल इन द मनी थी बड़े समय बाद महिंद्रा महिंद्रा की, फिर हुई कोल इंडिया की, अब तो जो कॉल बेच रहा हूँ इन द मनी इन द मनी। पर अच्छी बात यह है पुराने स्टॉक्स की नहीं बेच रहा, नया माल बेच रहा हूँ लेके, तो अच्छा प्रॉफिट हो रहा है। HDFC बैंक के दो लॉट उठाए थे, कॉल नहीं बेची थी, पड़ा है ये मेरे पास जी, इसके दो दो लॉट देखो मेरे पास है जी, ये अच्छा भाग गया। ICICI बैंक मिस हो गया, इंडसइंड बैंक के दो फीचर उठाए थे, दोनों मेरे को लगता है मम्मी पापा हो ही जाएगी, तो ये पोजीशन है इसकी। और गिरने वालों में आज बैंक ऑफ बड़ौदा, SBI, फेडरल बैंक मैं नहीं खरीद पाया, पता नहीं क्यों, फेडरल बैंक भी हाथ से चूक गया। इसमें भी वही हालत है, देखो यहाँ गैप अप ओपनिंग है, यहाँ भी हल्का सा गैप है, गैप अप है, यहाँ भी गैप डाउन गैप है, यहाँ भी गैप है, यहाँ भी गैप है, इसके भी पांच गैप छूटे हुए हैं, मतलब बड़ा रेयर देखने को मिलता है। सिर्फ आप क्या कहते हो, फुल टॉस तेजी के साथ बाजार भागा है इन नो टाइम, गैप अप करके, देखिए ये भी फुल टॉस ओवर बॉट है, पर इसका तो MACD चार्ट भारे हिस्टोग्राम दिखा रहा है। इसमें कॉल राइटर्स तो भाग गए, 39,000 पे हाईएस्ट पोजीशन थी, वहां पोजीशन ने काटी, 39,500 पे बढ़ाई और 40,000 पे बढ़ाई, डर के मारे भाग गए। पुट राइटर्स हर लेवल पे अपनी पोजीशनें बढ़ा रहे हैं और हाईएस्ट हैं 39,000 के लेवल पे, यानी बाजार निश्चित रूप से काफी स्ट्रांग लग रहा है। हालांकि पीसीआर आज गिरा है, यानी अभी कॉल राइटिंग बढ़ी है पुट राइटिंग घटी है, पर यही बात मंथली में और यही बात आप देखेंगे वीकली में। आज 12 ट्रेड किए, देखिए 12 काफी होते हैं, 1710 का मात्र छोटा सा प्रॉफिट कमाया, 5 ट्रेड किए ओपल बैरल के, 4 नई पोजिशने 1 स्क्वायर ऑफ, 3 ट्रेड किए प्लैटिनम वगैरह के, 2 नई पोजिशने 1 स्क्वायर ऑफ, और एमरल्ड के 6 ट्रेड थे, डायमंड का 1 ट्रेड था। आपने स्क्रीनशॉट नहीं डाला प्रॉफिट का, भूल जाती हो आजकल। एक्चुअली 1710 का जो प्रॉफिट हुआ ना मैडम आजकल भूल रही हैं, पिछली बार भी नहीं डाला था, याद है
1710 का जो प्रॉफिट हुआ वो टाटा मोटर की दो कॉल थी, मैंने उसको छोटे से प्रॉफिट पे स्क्वेयर ऑफ कर दिया और अच्छा किया, क्योंकि उसके मुझे लग रहा था ये थोड़ा गिरा, मुझे लगा यार इसमें ना निकल जाना ही समझदारी, मैं निकल गया। फिर मैंने अगले महीने की कॉल भेज दी, वो भी ये 500 की थी, 550 की, और जितने मैंने 500 की कॉल स्क्वेयर ऑफ की थी उससे ज़्यादा प्रीमियम पे, और एक लॉट बेचा है, और वो भी फिर भाग गया। मैंने 6.30 रुपये की बेची, वो 7 रुपये 7.5 रुपये हो गया था। तो बढ़िया ठीक डिसीजन रहा, अच्छा डिसीजन रहा। अब ये टाटा मोटर अगर भाग जाएगा तो एक लॉट में करीबन 100-125 रुपये बचेंगे, 1.5 लाख रुपये बच जाएगा, 1.5-2 लाख। अभी तो एक लॉट और देखूंगा, तो अच्छी मुनाफाबंदी इसमें नज़र आ रही, गिर गया तो कुछ तो निकलेगा ही। तो बेटा ये है शेयर बाजार की कहानी, जो बड़ा रिस्की ट्रेड होता है, बड़ा सोच समझ के करना चाहिए। बड़ा समझ के करोगे तो पैसे कमाओगे, पंगेबाजी से करोगे तो नुकसान करोगे। कहते ना पढ़ोगे लिखोगे बनोगे होशियार, खुदोगे कूदोगे बनोगे बेकार। मैं ऐसा नहीं कहूँगा खेलने कूदने से बेकार बनता आदमी, शेयर बाजार में कहूँगा उल्ट पुल्ट रिस्क लोगे मरोगे भैया, प्यार से चलोगे जो जीतोगे भैया। यानी अगर प्यार से चलोगे तो जीत जाओगे, रिस्क मैनेज करके चलोगे जीत जाओगे, उल्ट पुल्ट रिस्क उठाओगे तो मर जाओगे। क्योंकि शेयर बाजार ताक में रहता है कि आदमी की कब गर्दन काट दो। तो इसलिए बढ़िया है कि पहले सीखिए, उसके लिए आप मेरे स्टूडेंट बन सकते हैं। व्हाट्सएप का स्टूडेंट बनना हो तो 7011-323-077 नंबर है, और यूट्यूब का स्टूडेंट बनना हो तो सब्सक्राइब के साथ ज्वाइन का बटन आ रहा ठोक दें। अच्छा डीमैट अकाउंट खुलवाना, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करिए, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है।